नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों क्लास टेंथ इंग्लिश का वीडियो एक और आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। ये इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड 2019 के लिए। तो क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम इंग्लिश का जो वीडियो था हमारा, चैप्टर चल रहा था दी गंगा, उस चैप्टर में हमारा पैसेज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गया था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने पिछला वाला वीडियो इंग्लिश का नहीं देखा है तो आप एक काम कीजिए, इंग्लिश की क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहां पे आपको क्लास टेंथ की प्लेलिस्ट में पैसेज ऑफ कॉम्प्रीहेंशन मिल जाएगा। इस वाले में मैं आपको वीडियो में बात करूंगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की दोस्तों। तो बिना समय का वाइज वीडियो को स्टार्ट करते हो। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी चलती है। तो अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, पन्ना ऐसे पलटते हैं और आ जाते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आने हैं हमारे चार नंबर के। कितने नंबर के? चार नंबर के आने हैं। 60 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 60 वर्ड्स आपको लॉन्ग आंसर में लिखने। कितने? 60 वर्ड। पहला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको हम। व्हाई वॉज नेहरू सो अटैच्ड टू दी गंगा? नेहरू जी को गंगा से इतना लगाव क्यों था? तो इसका आंसर आपको लिखना है सीधा सीधा। आंसर में सबसे पहले आप एक हेडिंग डालोगे, हेडिंग का नाम होगा इंट्रोडक्शन। क्या होगा? इंट्रोडक्शन। नेहरू वॉज बॉर्न इन इलाहाबाद, इतनी बात आपको इंट्रोडक्शन में लिख देनी है। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिज अटैचमेंट टू दी गंगा, ठीक है। ये हेडिंग आप ब्लैक स्केच पेन से डालेंगे, हिज अटैचमेंट टू दी गंगा। फिर आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू दी गंगा एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, एज ही हैज ग्रोन older, this attachment has also grown. He has watched the changing moods of the Ganga. He thought of Indian history which is attached to the Ganga. ठीक है, यहां तक क्यों हो गया। फिर आप एक हेडिंग डालेंगे कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन आप एक हेडिंग डालने के बाद में यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, He wished a small handful of his ashes be grown इन दिस गंगा, इन दी गंगा। यहां तक कि आपको इस पहले प्रश्न का आंसर लिखना है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। व्हाट डिड पीटी नेहरू लाइक टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ? और करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि अथवा में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में आया। अथवा मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो आपको तीनों बताऊंगा। नेक्स्ट वाला है हमारा, हाउ डिड नेहरू वॉन्ट हिज एशेज टू बी डिस्पोज ऑफ? और वाला एक और है, वाई डिड नेहरू वॉन्ट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज बी स्क्रेटेड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया? यहां तक कि ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर ये देखो आपका दिया गया है, आप यहां आंसर यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, पीटी नेहरू डिजायर्स टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ एज फॉलोज। ए नंबर से आपको ए बी सी करके लिखना है। तो पहला ए वाला पॉइंट है, व्हेन पीटी नेहरू डाइज हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बी वाला, इफ ही डाइज इन अ फॉरिन कंट्री हिज बॉडी बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एशेस सेंट टू इलाहाबाद, ठीक है। नेक्स्ट वाला सी वाला पॉइंट हो गया, अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ हिज एशेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा, ठीक है, सी वाला पॉइंट हो गया। डी वाले पॉइंट, द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेस शुड बी स्क्रैड, ठीक है, फ्रॉम एन एरोप्लेन ओवर द फार्मर्स फील्ड,
ठीक है, ये हमारा डी वाला पॉइंट हो गया। ई वाला पॉइंट हमारा, नो पार्ट ऑफ हिज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। यहां तक की आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है दोस्तों, ठीक है, यहां से यहां तक की, ठीक है। तो ये पॉइंट और जितना भी इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और व्हाट डिड द गंगा मीन्स टू जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो गया हमारा और वाला क्वेश्चन। तो आपको आंसर इसका यहां से लिखना है, फॉलोइंग इन द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। फिर आप ये इतना लिखने के बाद में हेडिंग डालेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू, द गंगा रिमेन्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, नेहरू लव्ड देम एवरी मच, द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो वर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट। यहां तक की लिखना है, फिर उसके बाद एक हेडिंग डालनी है आपको, हेडिंग नहीं डालनी है, बस हाँ हेडिंग डालनी, सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर इंडिया। ठीक है, ये दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग ये हो गई, दूसरी हेडिंग ये, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया लव द गंगा, ही हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सी इज एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग एंड येट इवन द सेम गंगा। यहां तक की आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है दोस्तों, ठीक है, यहां से यहां तक की जितना आपको मैं बताऊंगा पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के उसको डाउनलोड करके एकदम मन लगा करके पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो नेक्स्ट वाला है, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पीटी नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। ठीक है, पाठ द गंगा को पढ़ने के बाद आपको पंडित नेहरू के बारे में क्या पता चलता है। तो आपको आंसर लिखना होगा इसका, तो आंसर आपको यहां से लिखना होगा, फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ नेहरू आर बॉट आउट इन द लेसन द गंगा। फर्स्ट पॉइंट, हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर हेडिंग में लिखोगे आप, नेहरू इज ग्रेटफुल ऑफ इंडियंस फॉर देयर लव एंड अफेक्शंस। ये हो गया पहली हेडिंग का आंसर। दूसरी हेडिंग, हिज सेंस ऑफ ओबिलाइजेशन, हिज सेंस ऑफ ओबिलाइजेशन, ही इज ग्रेटली ओबिलाइज्ड टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलेग्स हु वर्कड विद हिम। यहां तक की। तीसरी हेडिंग पे चलते हैं दोस्तों, ये देखो थर्ड हेडिंग हमारी, ठीक है, थर्ड हेडिंग है, हिज लव ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। ठीक है, ही वॉन्टेड हिज बॉडी टू बी क्रीमेटेड एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज एशेज ग्रोन इन द गंगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, हिज अटैचमेंट टू द गंगा एंड द यमुना। फिर यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड यमुना इन इलाहाबाद सिंस हिज चाइल्डहुड। यहां तक के। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हिज पोएटिक क्वालिटीज, नेहरू डिस्क्राइब्ड द गंगा एज पोएट वुड डू इन द लेसन द गंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हिज पैट्रियोटिज्म। ठीक है, यहां पे आप लिखना शुरू करोगे, He was anxious that India should rid himself of all sects that had been harmful for her. फिर लाइन छोड़ के, He wanted his ashes to be scattered over the field of the farmers so that his ashes could be mixed with the soil of India. यहां तक कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है दोस्तों। तो यहां तक कि मैंने आपको जितना भी बताया उसका पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जा करके डाउनलोड कर लेना और पूरा क्वेश्चन अपनी किसी कॉपी में लिख करके पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेना। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसके आगे वाले प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत हो गया, तो चैप्टर था हमारा दी गंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि आपको कहां से कहां तक के क्वेश्चन का आंसर लिखना है और कैसे हेडिंग डालनी है। ये मैंने एक एक चीज वीडियो में क्लियर
कर दी है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर वीडियो में कोई दिक्कत होगी तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। अन्यथा दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए, ताकि इस वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके, वो भी हमारे चैनल ओम ट्रिक्स से पढ़ाई कर सके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब नाउ ओम ट्रिक्स चैनल।